और ये क्या तोड़ रहे थे, क्या नाम है इसका? अंजू मंजू डांस करेगी दोस्त। तो जाता शिलाजीत तोड़ने, शिलाजीत निकालने जाता तू? बच्चे की होती है ना ऐसी की, हमने सुना था ये चीज। सो गुड मॉर्निंग गाइज, ये मेरा डे, आई थिंक मैं डे भी भूल गया कौन सा डे है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। कल क्या हुआ था कि काजा में हमने जो है अपने 6 पॉइंट्स जो है कंप्लीट कर लिए थे, देन उसके बाद रात में आए, खाना वाना खाया और सो गए थे। तो मॉर्निंग में अराउंड 4 o'clock हम निकले, मतलब जाने के लिए, यहाँ निकलने के लिए, काजा में रुकने का कोई लॉजिक नहीं था। तो मॉर्निंग में जो है हम निकल गए मनाली के लिए, और अभी हम जा रहे हैं मनाली। लेट्स सी, मनाली में अगर हम ज़्यादा थक जाते हैं तो एक दिन स्टे करेंगे, अदरवाइज सीधा दिल्ली घर को निकल जाएंगे। बहुत रश है। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमने जो है टिकट ली, मतलब एडवांस में नहीं ली, ऑनलाइन टिकट होती नहीं इस बस की, ऑफलाइन ही होती है, तो एक दिन पहले 5 बजे जा कर लेनी पड़ती है। और सीन ये हुआ कि हम नहीं ले पाए, तो अभी पूरी पैक्ड है और बस ऐसे ही ट्रैवल हो रहा है, जुगाड़ बजी करके बैठे हुए हैं। बस के अंदर जो है हम व्लॉग कर नहीं सकता क्योंकि गाने बज रहे हैं बहुत तेज़ है। ये कुंजुम पास है बेसिकली, अभी मेरे को पता चला ये बातल नहीं है, ये कुंजुम पास है। तो कुछ ऐसा दिखता है, ये कुंजुम माता का मंदिर अंदर से, ये देखो दिखा के रखता हूँ फटाफट से। गाड़ी चलने वाली है, ड्राइवर बैठ गए, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम जो है नहीं खुला है, बस है हमारी, कुंजुम पास। चलो कुंजुम पास भी देख लिया हमने इसी बारे में यार। गड्डियां भी चलनी नहीं चलनी, गड्डियां चलनी नहीं चलनी, बकरियां चलू गई इस रोड से, रोड में चलना तक गाड़ी का हां पागल है आप, सामने बना ला तो फिलहाल अभी हम छात्रों में हैं और यहाँ पे जो है ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए, बस रुकी है। और साथ ही यहाँ पे जो है कैंप्स लगे हुए हैं हमदा पास वालों के, ये देखो साथ में पूरा का पूरा। तो आइटनरी बात आई है बेसिकली, यहाँ पे भी उनका जो है स्टे होता है एक दिन का, छात्रों में भी कुछ लोग रोकते हैं अगर चंद्रताल जा रहे हैं, हमदा पास कर रहे हैं, तो एक दिन स्टे यहाँ पर भी होता है। और यहाँ से लगभग 83 किलोमीटर जो है मनाली है। अभी जो ये चंद्रा ढाबा है यहाँ पे जो है रुके हुए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग जो है वहाँ पे फ्रेश होने गए हुए हैं। और ये पूरे कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लगभग आधा घंटा रुकेगी और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे गर्मी है बहुत ज़्यादा, मतलब लेकिन हवा चल रही है ठंडी, तो मैंने इसलिए जैकेट नहीं उतारी, कैप्स वगैरह उतार दी, ग्लव्स भी मैंने बैग में रख दिए वापस, और कुछ खा नहीं रहा हूँ क्योंकि खाता हूँ तो फिर मेरे को प्रेशर आ जाता है, तो बस में जो है दिक्कत होती है। तो हल्का फुल्का ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ये तो दिक्कत होती है। ये नज़ारे हैं यहाँ के, ये है छात्रू, ये है छात्रू, टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। और वहाँ पे जो है वो दिख रहा होगा वहाँ पे, ये लोग आ रहे हैं कैंप्स वाले बेसिकली ट्रैक करके, ये लोग कुछ खाते हैं तो निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। रास्ते में ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है गाड़ी, और बहुत पत्थर बहुत ज़्यादा है, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है, और बार बार कैमरा निकालूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा रश है, पूरी बस पैक है, कहीं जगह नहीं है, इसलिए थका भी पड़ा हूँ, तो इसलिए जो है निकाल नहीं रहा हूँ, कोई नहीं फिर भी आगे चलते हैं, फिर दिखाऊंगा फोन निकाल, ठीक है। Oh, my God.
अभी जस्ट पहुँचे हैं मनाली और अभी मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, बैक साइड से ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, निकले यहाँ से जाएंगे और जो भी होता बताते हैं फिर। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ये माल रोड की तरफ, रश देख लो, भीड़ बहुत है यहाँ पे, सेब बिक रहे हैं, आड़ू बिक रहे हैं, तो खाली गया, अखरोट बिक रहे, ये पूरा माल रोड है वहाँ से लेके वहाँ तक, और ये मंदिर है सामने। फिलहाल अभी जो है मैं माल रोड पे बैठा हुआ हूँ, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, कभी को अभी कह रहा है कि रुकना है, कभी कह रहा है कि जाना है, तो लेट्स सी अब क्या करते हैं। जो देखो माल रोड के ये यहाँ के मौसम के हालात हैं और हल्का हल्का सा पानी पड़ रहा है, बारिश हो जाएगी, तेज भी हो सकती है, थोड़ा बहुत तो गिर रहा है पानी, ठीक है। तो लेट्स सी अभी क्या करते हैं कि निकलेंगे कि रुकेंगे। मैं रुकने का मन था मेरा पहले कि मेरे को थकान हो गई थी क्योंकि हम बस में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँगा उसके बाद ही जो है मैं यहाँ से निकलूँगा तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स मिल जाएगा, ऑर्गन थोड़े से सेटल हो जाएंगे, बहुत देर हो गई है क्योंकि यहाँ से 14 से 16 घंटे का सफ़र है जो कि बहुत ज़्यादा टाइडिंग होने वाला है। अभी तो लग रहा है कि हम थोड़ी देर में रेस्ट करके हाँ ओके हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते बंदा बिल्कुल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी अभी क्या करते हैं और जो भी होगा बताऊँगा मैं। अभी हम खाने लगे हैं गोलगप्पे मनाली के, तो भैया कैसा लगा दूसरे का स्वाद, स्वाद कैसा लगा दूसरे गोलगप्पे का, अच्छे गोलगप्पे हैं, ठीक है। छोटो स्माइल, ये देखो ये छोटू 10 के 8 गोलगप्पे में खिला रहा है, ठीक है, आप भी आए खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कपिल खान लगा सही है, चलो थैंक यू सो मच। बताओ कौन कौन से फ्लेवर है, मैंगो स्ट्रॉबेरी, हाँ आगे चलो ब्लैक करंट बटरस्कॉच, इतने छोटे छोटे लगाओगे, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े हैं। अच्छा और बढ़ जाएंगे, अभी ये बढ़ जाएंगे, ये देखो 8-in-1 है। अरे भैया भैया आप मुस्कुराते हुए पीछे से लेते हैं ऑर्डर, चलो भैया ये लो आप पहले वनीला स्ट्रॉबेरी और इसमें चॉकलेट और डाल दो, फ्लेवर फ्लेवर चॉकलेट चॉकलेट थोड़ी डालिए यार, लो 50 और दे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये इसकी पीठ पे से लगेगा, अब एक पेंटिंग है मेरी, एक टन रहेगी ना तो हो गई। तो हाय गाइस गुड मॉर्निंग, अभी जो है नेक्स्ट डे है हमारा मनाली के अंदर, तो अभी है ना हम हिडम्बा टेम्पल जा रहे थे, ये दोस्त मिले हैं और ये क्या तोड़ रहे थे, क्या नाम है इसका, पल्लम, पल्लम पल्लम है ये, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ठीक है खा तो बाद में लूंगा, ये पहले कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, टिंगू नाम है, टिंगू बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बोल तो सही, लाइक करो फॉलो करो, लाइक करो फॉलो करो, हाँ लाइक करो फॉलो करो, मनाली के पल्लम है, मनाली के पल्लम देखो देखो ऐसे रश चूता है इनका, ये क्या था भाई, हैं पल्लम खाओ और लाइक करो फॉलो करो, लाइक करो फॉलो करो, देखो सारे पल्लम की इसने ऐसे सीमा दी, बहुत मीठे हैं, चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय 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 बाय। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं हिडम्बा टेम्पल और ये हम जा रहे हैं ट्रैक करके, मतलब वॉकिंग माल रोड से, अराउंड 1.5 या 2.25 किलोमीटर का रास्ता है और शॉर्टकट मारोगे तो और भी छोटा पड़ता है, तो वॉक करके आओ, 15 मिनट या 20 मिनट में पहुंच जाते हो इजीली। ये स्टेयर्स हैं, ठीक है वैसे चढ़ना और ऊपर जाना, हिडम्बा टेम्पल पहुँच जाओगे बहुत ईजीली, और नीचे वो बच्चे मिले थे हमें, ठीक है इन्जॉय करने के लिए, बाकी सब सही है, मस्त है मौसम है ना। नाम क्या इसका दोस्त, याद करो इसका डीजे, और उसका उसका बाऊ, बाऊ हाँ। डीजे ओ डीजे बाऊ ओ बाऊ बाहुबली बाहुबली बाहु ये वही भल्लाल देव वाला,
कच्ची केरी वाला कच्ची केरी चाट। आज अंजू मंजू डांस करेगी दोस्त, दिखाओ अंजू मंजू कैसे डांस करती है। और ओए स्पाइडरमैन माने घोड़ा। अरे भीम को क्या हो गया, डांस कर रहा है, मार रहा है सबको। अरे भाई भीम पागल हो गया, भीम पागल हो गया। अरे भाई भैया आए, बोलो लाइक करो फॉलो करो, लाइक करो फॉलो करो। ये कौन वाला नाम क्या था इसका, पहलम 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 भी बोलते हैं हम, पहलम भी मीठा है, ले लो बल खाओ एक। मैंने खा लिया पेट से तोड़ के, पेट भर के खाया नहीं, पेट से तोड़ के खाए थे, पेट से तोड़ के खाए थे मैं नीचे से। नहीं भैया इतना मीठा नहीं होना वो। हाँ हमने कम मीठा खाया, मैंने अभी कच्चा था थोड़ा सा खा लिया। और ये जो है हम हडिम्बा टेम्पल पहुँच चुके हैं इस समय, और रश देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, लाइन लगी पड़ी। लाइन लाइन दिखाता हूँ लाइन। और क्या लेता हूँ क्या, लाइन देखो कितनी लंबी लाइन है, टक 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 यहाँ से लेके मंदिर के पीछे से और यहाँ आ रही है। ये देखो खतरनाक। अभी जस्ट घूम रहे हैं यहीं पे, ठीक है, और चलो राउंड लेते हैं और देखते हैं टेंपल के आसपास कैसा एनवायरनमेंट है। वीर घटोत्कच स्थल पे जाएंगे भी। आपका क्या यूट्यूबर सी है, छीन लिया तेरा जैसा भाई था कोई। यूट्यूबर हो आप हैं, यूट्यूबर हो तो जाता शिलाजीत तोड़ने, शिलाजीत निकालने जाता तू हैं। पहले से नीचे करो, पहले से नीचे की तरफ मत करो, शक्ल की तरफ नहीं करूं। नहीं कहां से आया, यूपी से, हरियाणा से। ले देख ले सब गूगल वाले सब कुछ सच सच, इसे सच बुलवा। चलो चलो बुलवा से बुलवा, क्या बोल रहा था, क्या क्या बेच रहा है। ओए शकल छुआ दे हाल रे उसे डड्डा, हम भी दे हाल, बोल तू बोल। मैं कोई नहीं खाया, क्या कर रहा है कोई नहीं। कुछ लोगों ने जो है घर भी जो है चढ़ा रखे हैं, अपने अपने घर बनवा के वो चढ़ा रखे हैं। लोगों ने चढ़ता है चलती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। बच्चे की होती है ना ऐसी कि हमने छुड़ाना था ये चीज़, तब बना के ऐसे रखे हैं। ऐसा मन्नत तो नहीं कि मेरा घर बन जाए ऐसा, ऐसा भी होता है फिर नहीं है। बच्चे क्या हुआ है, ये बच्चे का अच्छा खिलौने टाइप में रख गए हैं यहाँ पे, जिसको बच्चा चाहिए उसके लिए। ओके और चाकू, चाकू चुकी है मानते हैं आपने, किस चीज़ का जैसा मतलब वो वैसा होता है ना कि कोई काम आपका होगा रुका हुआ तो आप बोलेंगे भाई भगवान मेरा ये काम होना चाहिए। हाँ जी हो गया तो मैं ऐसी चीज चढ़ाऊंगा। अच्छा फिर वो आपको चढ़ानी वैसे वैसे है ये सब, ठीक है। और कुछ Thank you.
सो गाइस अभी हो गए हैं 4:30 और हम निकलने वाले बस स्टैंड के लिए, क्योंकि अभी जो है हमारी ट्रिप यहाँ पे ओवर होती है और स्पीति सर्किट हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। और अभी हम हैं फिलहाल वन विहार में और हम अपना सामान उठाएंगे और जाएंगे बस स्टैंड के लिए और निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो चलिए इस सीरीज़ को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और व्लॉग या सीरीज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बस हमने ले ली है मनाली से दिल्ली के लिए, अभी हम निकलने वाले हैं और सवेरे 7 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे।